आज के एक्सक्लूसिव में अब मैं आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे पर लेकर जाना चाहता हूं जो पूरे देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। कानून और संविधान ने जिस खाकी को हमारी सुरक्षा का जिम्मा दिया है उस पर अचानक हमले क्यों बढ़ गए हैं, मणिपुर से लेकर नू तक और कोलकाता से लेकर फिरोजाबाद तक पुलिस से पब्लिक भिड़ने क्यों लगी है। ये कोलकाता की मशहूर डायमंड हार्बर रोड है। सुबह यहाँ पब्लिक और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। भीड़ का गुस्सा सातवें आसमान पर था। पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। हिंसक भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठी चार्ज भी किया। हिंसा की इन तस्वीरों के पीछे वजह सड़क हादसे में बच्चे की मौत थी। सुबह करीब 7 बजे बेहाला के बारिशा इलाके में 7 साल के स्टूडेंट को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर भीड़ का गुस्सा भड़क गया। पुलिस ने गुस्साई भीड़ को काबू करने की कोशिश की तो हालात और बिगड़ गए। अब आपको कोलकाता से करीब 1300 किलोमीटर दूर यूपी के फिरोजाबाद की खबर बताते हैं। गुरुवार देर शाम चंद्रपुर गांव से विवेचना कर लौट रहे सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा को गोली मार दी गई। आज पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने अपने साथी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी, लेकिन कातिल कौन था अभी तक पता नहीं चल सका। बिहार और राजस्थान में भी खाकी पर हमला हुआ। 3 अगस्त की रात बिहार के मौड़िया गांव में लोगों ने पुलिस की टीम पर अटैक कर दिया। शराब की सूचना पर रेड मारने पहुंची पुलिस को लेने के देने पड़ गए। एसएचओ समेत 7 पुलिस वाले घायल हुए। चौंकाने वाली बात यह है कि 2 तारीख को भी बिहार के बलिहार में ही गांव वालों ने पुलिस टीम पर हमला किया था। राजस्थान के जोधपुर में भी खाकी को टारगेट किया गया। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर बस्ती वालों ने पथराव किया। सिस्टम और पावर, खाकी का मतलब आम जनता के लिए यही होता है, लेकिन मणिपुर से नू तक जो घट रहा है और जो घटा है वो परेशान करने वाला है। मणिपुर में हालात फिर से बिगड़ रहे हैं। बिष्णुपुर में आईआरबी यूनिट की चौकियों पर भीड़ ने हमला कर दिया, गोला बारूद और हथियार भी लूट लिए। 31 जुलाई को नू में हिंसा हुई, 2 होमगार्ड जवान शहीद हुए और डीएसपी एसएचओ समेत तकरीबन 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये ठीक नहीं है। कोलकाता, मणिपुर, यूपी, बिहार, हरियाणा, आखिर यहाँ ये हो क्या रहा है? कानून के रखवाले ही सुरक्षित नहीं है तो फिर संवैधानिक व्यवस्था कैसे कायम होगी? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।